नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा कि आज किसका बर्थडे है, इसके अलावा मैंने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, कौन कौन से क्वालिफाई किया है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बता दें कि आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये कोचिंग, इस कोचिंग का जो है आज 25 जुलाई यानी 25 जुलाई को पूरा पूरी 4 साल हो चुका है। इस कोचिंग को मैंने 25 जुलाई 2018 से प्रारंभ किया था पढ़ाना, और अभी जो है 25 जुलाई आज है और ये 2022 चल रहा है, यानी पूरा पूरी 4 साल हो चुका है इस कोचिंग का। इसके बारे में मैं आपको इतिहास बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इस कोचिंग के बारे में अगर बताऊँ तो इसका इतिहास ऐसा रहा है ना कि जब मैंने इस कोचिंग को शुरुआत में खोला था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लगभग लगभग कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये जो दीवाल है ये दीवाल सब भी फिनिशिंग हुआ नहीं था। कैसा दीवाल था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो आप दीवाल देख रहे हैं ना, इसी टाइप का मेरा कोचिंग में भी दीवाल था, मतलब फिनिशिंग हुआ बिल्कुल भी नहीं था। तो जैसे जैसे पैसा आते गया, कोचिंग पढ़ाते गया, पैसा आते गया, और कुछ पैसा मैंने घर से भी मिलाया और इसको फिनिशिंग किया। फिनिशिंग करने में मेरे परिवार वालों ने, मतलब परिवार के सदस्य लोगों ने, सभी ने इस पर हेल्प किया था, मदद किया, और जाकर के फिनिशिंग हुआ। और ये दरवाजा मैंने शुरू में ही लगा लिया था, दरवाजा और ये सारा खिड़की वगैरह इसमें शुरू में ही लगा हुआ था। ये टेबल, ये कुर्सियां जो देख रहे हैं आप, इसी में मैं किताबों को रखता था और इसी में मैं भी बैठता था, क्योंकि ये सब जो है, ये जो आप कुर्सी देख रहे हैं, ये आप स्टूल देख रहे हैं, ये टेबल देख रहे हैं, ये सब शुरुआत में मेरे पास नहीं था। धीरे धीरे कोचिंग पढ़ाता गया, पैसा आते गया और मैंने ये सब लिया। ये सारे जो बुक्स आप देख रहे हैं ये मेरे कंपिटिटिव एग्जाम्स के हैं, जो मैं रेलवे और एसएससी का तैयारी करता हूँ, और उसी में मैं उन बुक्स को मैं इन टेबल में ही रखता था, ठीक है। और ये सारे टेबल अभी कम से कम 40 मेरे पास होगा, 30 से 40 होगा, और इन्हीं में मैं स्टूडेंट को अभी भी बैठाता हूँ और पढ़ाता हूँ, ठीक है। और ये सारे पोस्टर जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है, उधर हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, और उधर वर्ल्ड मैप है। ये सारा जो है पहले नहीं था, ये मैंने हाल फिलहाल में लगवाया। वो जो वहाँ पे आप देख रहे हैं तख्ता जैसा, जिसमें सारे ऊपर में बुक्स रखे हुए हैं, वो भी पहले नहीं था, तो वो भी मैंने बनवा करके शुरू शुरू में कुछ दिन पहले, मतलब अगले साल शायद लगाए थे। तो जब मैंने कोचिंग में पढ़ाना प्रारंभ किया था तो इस प्रकार का नहीं था जैसा आप अभी देख रहे हैं, बिल्कुल ही साधारण था। जमीन भी जो आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ये भी अच्छी तरह से पहले फिनिशिंग किया हुआ नहीं था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे पैसा वगैरह आते गया और मैंने कोचिंग को अपना थोड़ा सा इम्प्रूव किया, इसमें सुधार किया, और बच्चे भी शुरुआत में कोरोना से पहले बच्चे भी ठीक ठाक आ रहे थे, लेकिन अभी जो है बच्चों की संख्या पहले से बहुत ज्यादा घट गई है, अभी 10 मुश्किल से 10 से 12 अभी स्टूडेंट होंगे। और इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या टारगेट रखा था अपने कोचिंग में, वो भी मैं आपको यहाँ पढ़ करके समझाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि स्मार्ट स्टडी कोचिंग उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कम से कम शुल्क पर अच्छी शिक्षा पाना चाहते हैं। तो मेरा ये कोचिंग खोलने का मकसद यही था कि उन सभी विद्यार्थियों का मदद किया जाए जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, उन्हें कम से कम रकम में, कम से कम रुपए में शिक्षा दिया जाए, ये मेरा टारगेट था। और मेरा टारगेट था कि मैं कक्षा 5 से 10 तक की क्वालिटी शिक्षा दूं, जो कि अभी भी देता हूं, रेलवे और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाऊं, जो कुछ दिन करवाया था कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं आने लगे। और मेरा सबसे बड़ा टारगेट था कि रेलवे और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ कक्षा 11वीं और 12वीं की भौतिकी पढ़ाना, यानी फिजिक्स पढ़ाना, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स से किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है, ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है सोनू सर BSc, और ये बगल में मेरा फोटो भी है, ठीक है। तो मेरा टारगेट यही रहा था कि मैं अपने कोचिंग को और आगे बढ़ाऊँ, लेकिन जैसे जिसका विपरीत हो रहा है, मतलब स्टूडेंट पहले जितना आते थे 25 से 30 पहले स्टूडेंट है, लेकिन अभी घट करके बहुत कम हो गया, मतलब ना के बराबर हो गए। लेकिन फिर भी देखता हूँ, स्टूडेंट आएंगे जरूर, और इसके अलावा कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ। कुछ कुछ अंकों से मेरा नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने SSC MTS का भी एग्जाम दिया हुआ है, और
सीएमटीएस में मैंने Tier 1 क्वालिफाई करके डिस्क्रिप्टिव पेपर भी दिया हुआ, लेकिन अभी उसका उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, देखते हैं रिजल्ट कब तक आता है। और इसके अलावा रेलवे मैंने NTPC दिया था, जिसमें CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 का एग्जाम मैंने दिया था, जो कि दिल्ली नोएडा में उसका सेंटर पड़ा था, उसका भी एग्जाम मैंने दिया है। और उसका आंसर के मिलाने के बाद नंबर कम आया और रिजल्ट में भी मेरा नंबर CBT 2 में नहीं आया। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप डी का एग्जाम जो 2018 में था वो भी मैंने दिया था। सिविल सर्विसेज का एग्जाम का क्रेज मेरा सबसे पहले था, तो यही सोच करके मैंने कोचिंग खोला था कि एक तो मैं अपना पैसा भी पैकेट जो पॉकेट खर्चा होता है वो भी निकाल लूंगा इस कोचिंग के सहारे, इसके अलावा मेरा पढ़ाई भी जारी रहेगा, वो सोच करके मैंने ये कोचिंग खोला था, और दूसरों को शिक्षा भी दे दूंगा, ये सारा मेरा था। तो शुरुआत में मेरा क्रेज था सिविल सर्विस का, और मैंने 4 अटेम्प्ट भी दिया हुआ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में मैंने वीडियो बना करके बताया था कि मैंने UPSC सिविल सर्विस का 4 अटेम्प्ट दिया हुआ, लेकिन नहीं निकल पाया था। उसके बाद जब मुझे लगा कि सिविल सर्विस निकालना कोई बच्चों की बात नहीं है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। और उसे छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि सबसे बढ़िया रहेगा कि रेलवे और SSC का तैयारी किया जाए, और साथ ही साथ बैंकिंग। तो बैंकिंग तो मैंने कुछ अटेम्प्ट दिया था, कुछ एग्जाम्स दिया था बैंकिंग का, लेकिन उसके बाद मेरा जो अभी जो फिलहाल जो मोटो है वो SSC या रेलवे निकाल लेना, देखते हैं क्या होता है आगे। और इस बार जो SSC MTS है वो भी दिया, CHSL भी दिया है, नंबर ठीक ठाक है, अब देखते हैं क्या होता है। और मैं वेट कर रहा हूँ कि SSC MTS Tier 2 का जो रिजल्ट है वो भी आ जाए, जल्द आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज है 25 जुलाई, दोबारा एक बार रिपीट कर देना चाहूंगा, आज है 25 जुलाई 2022, कोचिंग को मैंने खोला था 25 जुलाई 2018 को, और आज मेरे इस कोचिंग का पूरा पूरी 4 साल हो गया है। समय इतना जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता है 4 साल कैसे गुजर गया, और आगे का लाइफ क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, सच में किसी को नहीं पता होता है, थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा लक दोनों चीज़ अगर आपके साथ हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत तो मैं करता हूँ, लक शायद मेरे साथ नहीं है, जिसके कारण अभी तक कोई कंपिटिटिव एग्जाम नहीं निकला है, लेकिन ऊपर वाला अगर चाहे तो जल्द कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आगे जो होना है वो होगा। ठीक है, तो यही कहना था, आप सभी भी कमेंट करके मेरे कोचिंग को हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। यहीं पे अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।